Hey guys, तो आज हमारे पास आ गए हैं Oppo Pad Air। बेसिकली इसको Oppo ने अपनी Reno 8 सीरीज के साथ ही लॉन्च करा था, लेकिन पता नहीं एडवर्टाइजिंग में क्या कमी रह गई, मेरे को ये देखने को मिला ही नहीं कहीं। मैं इसके वीडियोस वगैरह चेकआउट करा था। वेल, इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के लेके सारी चीजें, मतलब एक बेस्ट इंप्रेशन टाइप मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसा है Oppo Pad Air। तो ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। वेल, इसकी जो प्राइस ओप्पो ने रखी है वो है 15,999 रुपए, और इस प्राइस में आपको 2K डिस्प्ले और इसी के साथ साथ 7000 mAh की बैटरी और बहुत कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। चलिए देख लिया जाए ओप्पो ने क्या स्पेशल पैक किया है आपके लिए इस ओप्पो पैड एयर। सबसे पहले जैसे ही आप बॉक्स खोलोगे तो आपको ये पैड एयर देखने को मिल जाता है। इसको साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं। चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलेगी जो बेसिकली 33 वोल्ट की है, और ये सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक को। ये बेसिकली 33 वोल्ट वाली चार्जिंग ब्रिक ओप्पो अपनी 20,000 से नीचे वाले जो फोन आते हैं ना उसमें कई में हमको देखने को मिल जाती है। वही सेम हमको देखने को मिल रही है इसमें, लेकिन ये सपोर्ट करेगा 18 वोल्ट की कोई। और इसके साथ आपको यूएसबी टाइप सी केबल भी इसके साथ देखने को मिल जाती है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये सुई। और अब चलते हैं अपने मेन मसाले के ऊपर जिसके लिए आप 17,000 रुपए देने जा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही आपके हाथ में आएगा तो ये बॉक्सी एजेस और जो फ्लैट डिस्प्ले है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देने वाली है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो अपने आप में बहुत ही स्लीक है। यहाँ पे ये 6.99 mm की थिकनेस को लेके आता है, मतलब यार 7 mm से भी कम की थिकनेस ना आप ये समझ लो कि आपकी इतनी सी उंगली होगी। लिटरली ये बहुत ही पतला है, और इसी के साथ 440 ग्राम का इसका वेट है। इसको जिस वेट बैलेंसिंग, जिस इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है ना, वैसे आपको लगेगा नहीं कि 440 ग्राम का वेट इसके अंदर पैक किया हुआ है। पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, जो फिंगरप्रिंट के निशान ऑलमोस्ट ना के बराबर ही लाके देती है। ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसको अलग किया गया है, सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ पावर लॉक अनलॉक बटन है, और सबसे बड़ी स्पेशल चीज यहाँ पे आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। तो इसका जो साउंड निकलने वाला है वो डेफिनेटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा, और उसको डेफिनेटली हम आगे चल के फील करने ही वाले हैं। और यहाँ राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन, और इसी के साथ प्राइमरी माइक, और आगे की तरफ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, और बैक जो है वो भी 8 मेगापिक्सल का ही है। तो ये चीज हमने देख ली कि ओप्पो अपनी डिजाइन के साथ जो करतब फोन्स में दिखाता है, यहाँ पे पैड के साथ भी बिल्कुल वही सीन है, बिल्कुल स्लीक सा, काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट, और इसी के साथ ये अच्छा सा डिजाइन। अब चलते हैं हम इसकी डिस्प्ले के ऊपर, और डिस्प्ले से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके साथ आपको स्टाइलस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बॉक्स में ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। और अगर आपको पैड एयर के अंदर क्रिएटिविटी लानी है तो आपको अलग से स्टाइलस खरीदना पड़ेगा और उसके साथ इसको यूज करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे आपको 10.36 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, और ये लिटरली 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है, जिसमें आप जब वीडियोस देखोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का फिंगरप्रिंट आपको नहीं देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक और पासकोड यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। बात करूँ ब्राइटनेस की, तो क्योंकि जो पैड वगैरह होते हैं वो मोस्टली इंडोर्स में यूज लिए जाते हैं, तो आपको 360 max nits ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 80.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और बॉडी रेशियो का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर नीचे चिन छोटी मिल रही है, ऊपर से बेजल छोटे बड़े मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरी सिमेट्री दिखाई गई है, मतलब बराबरी का अंदाज है पूरा का पूरा। और इसी के साथ 225 PPI डेंसिटी है। आप जब YouTube पे प्राइम पे कहीं भी कुछ देख रहे होंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली सही होने वाला है, तो आपको ये कलर्स निकाल के देता है, क्योंकि 2K रेजोल्यूशन काफी काफी ज्यादा होता है, और इस प्राइस रेंज के लिए तो डेफिनेटली काफी अच्छा होता है। और ये आपको ओनली Wi-Fi वेरियंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको एक स्लॉट देखने को मिल जाता है जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल के अपनी स्टोरेज को थोड़ी सी और हवा में उछाल सकते हो। और बात करो इसमें लगी हुई ताकत की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है, ये एक 4G प्रोसेसर है और 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक्ड है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन काफी हो गए, समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना समझ लो कि आपको ये जो डे टू डे लाइफ के टास्क हैं
बेसिकली क्लासेस वगैरह लेना है या फिर वीडियोस वगैरह देखना है, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग वगैरह करनी है, तो वो काफ़ी स्मूथली ये हैंडल कर सकता है। इसी के साथ 4GB 64GB 4GB 128GB और 6GB 128GB में आपको ये देखने को मिलेगा, और उसके बाद भी मेमोरी कार्ड और अलग से डाल के एक्सपेंड कर सकते हो। और LPDDR4X और UFS 2.2 बेस आपको स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाती है, जो डेफिनेटली एक स्मूथनेस तो ऐड करेगी करेगी। और चूंकि कलर OS है तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। और ये एक पैड है, 10.36 इंचेस की डिस्प्ले है, तो स्प्लिट स्क्रीन वगैरह यूज करना, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर यूज कर रहे हो तो सिंपली आपको दो उंगलियां लगानी है और ये लाइन लेके नीचे तक आनी है, उसके बाद ये ड्यूअल स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अलग बात है कि जो हमने खोला हुआ है वो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती हैं, वहां पे आप मल्टीटास्किंग आराम से कर सकते हो। और डिस्प्ले एंड प्रोसेसर के चक्कर में हम भूल गए कि इसमें चार चार स्पीकर हैं, जो दो ऊपर दो दो नीचे हैं। चलिए मैं उनकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कितनी कमाल है। लिटरली ये फील होता है कि हाँ आप चार स्पीकर के साथ सुन रहे हो, क्योंकि जब स्मार्टफोन में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, सिंगल स्पीकर मिल जाता है, तो वहां पे आपको फील होता है कि हाँ यार थोड़ी सी और इंक्रीमेंट आ गई है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स में। लेकिन जब चार चार स्पीकर जुड़ते हैं ना, तो डेफिनेटली ये चीज उठ के कहीं और ही लेवल पे चली जाती है, और ये यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर और काफी ज्यादा लाउडनेस फील होने वाली है। और आप चाहे कोई भी रैम वेरियंट लो, यहाँ पे आप 3GB तक और एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर 4GB के लेने के लिए गए हो तो 3GB और एक्सपेंड करके 7GB तक जा सकते हो। ऑल्दो वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है, बट स्टिल थोड़ा काम तो कर ही लेगी। और इसी के साथ इसके एक्सपीरियंस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे ओप्पो ने पैक किया 7100 की बैटरी विद 18 वोल्ट ऑफ फास्ट चार्जर। हाँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होने में, लेकिन हाँ इस प्राइस रेंज में जितने भी आते हैं ना, उनमें ऑलमोस्ट यही सीन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन बैटरी काफ़ी बड़ी है। तो ऐसा ही है कुछ ओप्पो पैड एयर, मुझे ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक सा लगा। इतनी बड़ी सी डिस्प्ले, 2K रेजोल्यूशन, 7100mAh की बैटरी, और कलर OS 12, एंड्रॉइड 12, सब कुछ लेटेस्ट भरा हुआ है, और सारी चीज़ें ही प्राइस में काफ़ी सेटिस्फाइंग से देखने को मिलते हैं। ऑफलाइन स्टोर पे ये और ज्यादा सस्ता मिल सकता है और काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट वगैरह दे दूंगा ओप्पो एक्सक्लूसिव स्टोर के, जहां से जाके आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।